हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज पे चर्चा कर रहे थे। तीन सीरीज पूरी हो चुकी है, चौथे सीरीज पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तीसरी सीरीज में हम लोग बात किए थे कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं और उन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो अगली सीरीज में इसी को हम लोग पूरा करते हैं, इसके राज्यों की सीरीज आज कंप्लीट करते हैं। तो पहला हम लोग देखे थे सहारनपुर में एक जिला आ रहे, एक राज्य स्पर्श कर रहा था जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश। क्या नाम था? हिमाचल प्रदेश। और यह हिमाचल प्रदेश की सीमांचल प्रदेश की खास बात थी कि यह सहारनपुर के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य है। यानी कि सहारनपुर ही नहीं, यह पूरे उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो हम लोग एक दूसरी तरफ क्या देखे थे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश जो 11 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य था और इसी की सबसे लंबी सीमा लगती थी कितने जिलों के साथ? 11 जिलों के साथ। यह राज्य कौन सा था? तो एमपी था, यानी मध्य प्रदेश था। कौन सा? मध्य प्रदेश। जहां हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी सीमा बना रहा था उत्तर प्रदेश के साथ, वही मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। तो हिमाचल प्रदेश कितने जिलों से बनाता है? तो सिर्फ एक जिलों से, और एक जिला कौन सा है? सहारनपुर। लेकिन जो मध्य प्रदेश है वह 11 जिलों से सीमा बनाता है, जिसमें यदि हम जिलों की बात करें तो पहला है सोनभद्र, दूसरा मिर्जापुर, तीसरा प्रयागराज, चौथा चित्रकूट, पांचवा बांदा, छठवा महोबा, सातवा ललितपुर, आठवा झांसी, नौवा जालौन, दसवा इटावा और ग्यारहवा आगरा। लेकिन उसमें एक जिला और हम लोग बात किए थे इस ललितपुर को। ललितपुर की इसमें क्या खास बात है कि यह जो मध्य प्रदेश है वह तीन तरफ से सीमा बनाने वाला राज्य है। किसके साथ? ललितपुर जिले के साथ। आइए कुछ और राज्य है जो स्पर्श करते हैं, उनपे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जहां से हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा को छोड़ रहा था वहीं से अगला राज्य, और अगले राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। जो देखते हैं कितने जिलों से सीमा बना रहा था? 7 जिलों से। तो कौन कौन से 7 जिले थे? पहला तो था सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, पांचवा रामपुर, छठवा बरेली और सातवा पीलीभीत। अब यह सात जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य से। कितने राज्य? किस राज्य से? उत्तराखंड राज्य से। कितने जिले? 7 जिले। अब यहाँ पर यह कॉमन है। कौन कॉमन है? ललितपुर कॉमन हो गया। जो उत्तराखंड और इसके आगे जो अंतर्राष्ट्रीय आपका एक देश है जिसका नाम है नेपाल, वह सीमा बनाता है। तो आइए देखते हैं कि यह अभी कितने राज्यों से सीमा बनाने वाला देश है, अरे कितने जिलों से सीमा बनाने वाला देश है। तो पहला तो आपको मिल गया पीलीभीत, जो उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है और नेपाल से भी सीमा बनाता है। दूसरे की बात करें तो ललितपुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तीसरे की बात करें बहराइच। चौथे की बात करें श्रावस्ती, जहां महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक वर्षा काल बिताया था। पांचवे की बात करें बलरामपुर। छठवें की बात करें सिद्धार्थनगर। और सातवें की बात करें महाराजगंज। यानी कि नेपाल जो एक अंतर्राष्ट्रीय देश है वह भी कितने जिलों से सीमा बनाता है दोस्तों? तो 7 जिलों से। और इस अंतर्राष्ट्रीय देश का नाम क्या है? तो नेपाल है। क्या नाम है? नेपाल है। आइए आगे बात करते हैं। अब यह महाराजगंज यहाँ फिर कॉमन हो गया। अब यह बात करते हैं कि यह महाराजगंज किन किन राज्यों के साथ कॉमन हो रहा है। तो एक तो आपका अंतर्राष्ट्रीय देश है नेपाल, और दूसरा यहीं से शुरू होता है इसकी सीमा, बिहार की सीमा यहीं से शुरू होती है। यानी कि पहला जिला हो गया महाराजगंज। पहला कौन हो गया? महाराजगंज। दूसरे जिले की बात करें कुशीनगर। तीसरे जिले की बात करें देवरिया। चौथे जिले की बात करें बलिया, जो आपका पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन? बलिया। पांचवे जिले की बात करें गाजीपुर। छठवें जिले की बात करें चंदौली। और सातवें जिले की बात करें सोनभद्र। यानी कि यह जो बिहार की भी सीमा लगती है वह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से लगती है? तो यह भी 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है।
कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ बिहार भी सीमा बनाता है, किसके? उत्तर प्रदेश के। तो 7 जिले से उत्तराखंड, 7 जिले से नेपाल और 7 ही जिले से बिहार सीमा बनाता है। अब बात करते हैं इस सोनभद्र की, और यह सोनभद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे इंपॉर्टेंट है इस पे चर्चा करते हैं। तो यह वाला जो सोनभद्र का इतना इलाका है, यह बिहार से सीमा बनाता है, लेकिन जो इसके आगे का थोड़ा सा एरिया है, यह झारखंड से सीमा बनाता है। किससे? झारखंड से सीमा बनाता है। और इसके आगे वाला यह वाला एरिया यह छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। किससे? छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। फिर यहीं से यह वाला हिस्सा मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है। किससे स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश यानी एमपी से। तो पहला तो हो गया बिहार, दूसरा हो गया झारखंड, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़ और चौथा हो गया एमपी। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों यही एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन सा? सोनभद्र। और सेकेंड लार्जेस्ट जिला भी कौन है? सोनभद्र है। आइए आगे बात करते हैं। तो सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला है? 4 राज्यों से। इसके बाद बात करते हैं एमपी की। तो एमपी को हम लोग देख ही लिए कि कितने जिलों से बनाता है, 11 जिलों से बनाता है। इसी की सबसे लंबी सीमा लगती है, सबसे छोटी सहारनपुर की, अरे हिमाचल प्रदेश की लगती है। आगे बात करें तो आगरा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ आगरा भी कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। एक तो यह एमपी से लगा हुआ है, तो दूसरा राजस्थान से। किससे लगा है? राजस्थान से। आगरा और मथुरा दो ऐसे जिले हैं। कौन कौन से? आगरा और यह हो गया आपका मथुरा। कौन सा जिला हो गया? मथुरा। यानी कि आगरा और मथुरा दो जिले, कितने जिले? दो जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान से बनाते हैं। किस राज्य से? राजस्थान से। उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिले सीमा बनाते हैं? तो आगरा और दूसरा हो गया आपका मथुरा। अब यहाँ मथुरा भी कॉमन आपको दिखेगा। क्यों? कि जहां से मथुरा अपनी सीमा राजस्थान के साथ छोड़ेगा, वहीं से अगला राज्य जो आपका हरियाणा है, वह इसकी सीमा से लग जाएगा। कौन लग जाएगा? हरियाणा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आइए ध्यान कैसे देना अभी इंडिकेट कराते हैं। मथुरा हो गया तो पहला जिला तो हो गया मथुरा। पहला जिला कौन हो गया? मथुरा। दूसरे की बात करें तो दूसरा है आपका अलीगढ़। कौन सा है? अलीगढ़। अब अलीगढ़ के बाद की बात करें तो अलीगढ़ के बाद है गौतम बुद्ध नगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध नगर कौन सा जिला हो गया? गौतम बुद्ध नगर। और इसी के बाद है आपका गाजियाबाद। कौन सा जिला है? गाजियाबाद। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, ये गाजियाबाद पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अभी हम लोग ध्यान देंगे। गाजियाबाद हो गया, इसके बाद हो गया बागपत। कौन सा जिला? बागपत। और बागपत के बाद जो सबसे पश्चिमी जिला है, जिसका क्या नाम है? तो शामली है। कौन है? शामली। आइए एक बार देखते हैं, यह जो मथुरा है वह हरियाणा से लगने वाला पहला जिला हो गया। फिर दूसरा जिला कौन हो गया? अलीगढ़। दूसरा कौन हो गया? अलीगढ़। तीसरा हो गया गौतम बुद्ध नगर। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यह जो गाजियाबाद है ना, कौन सा? गाजियाबाद। यहीं पर स्थित है दिल्ली। आपकी राजधानी कौन? दिल्ली स्थित है। इस दिल्ली की वजह से यह गाजियाबाद हरियाणा से सीमा नहीं बनाने पाता, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। कौन नहीं बना पाता है? गाजियाबाद सीमा नहीं बना पाता है, इसलिए एक जिला को हम कम कर देते हैं। तो आइए काउंट करते हैं, पहला हो गया मथुरा, दूसरा हो गया अलीगढ़, तीसरा हो गया गौतम बुद्ध नगर, चौथा हो गया बागपत, पांचवा हो गया शामली और यह सहारनपुर। जो इधर हिमाचल प्रदेश के इधर वाला एरिया है, पश्चिम की तरफ वाला एरिया, यह अभी स्पर्श करता है किससे? हरियाणा से। तो कितने जिले हो गए? 6 जिले। आइए एक बार और काउंट करते हैं, पहला हो गया मथुरा, दूसरा अलीगढ़, तीसरा गौतम बुद्ध नगर, चौथा बागपत, पांचवा शामली और छठवा सहारनपुर। यानी कि 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। कौन से? कितने जिले हो गए? 6 जिले ऐसे हो गए जो हरियाणा राज्य से सीमा बनाते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली और बात है, जो
आपका सहारनपुर है, अब क्वेश्चन पूछता है कि यह जो आपका सहारनपुर है वह कितने राज्यों से सीमा बनाता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कितने जिलों से बनाता है। अब देखिएगा यह वाला इलाका, इधर वाला इलाका उत्तराखंड से सीमा बनाता है, किससे बनाता है, उत्तराखंड से। यह वाला क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है, इधर पूर्वी क्षेत्र उत्तराखंड से, और पश्चिमी क्षेत्र किससे बनाता है, तो यह हरियाणा से बनाता है। और जो इसका उत्तरी क्षेत्र थोड़ा सा वह बनाता है किससे, हिमाचल प्रदेश से। तो कितने राज्यों से सीमा बनाता है सहारनपुर, तीन राज्यों से। कितने राज्यों से, तीन राज्यों से सहारनपुर बनाता है सीमा, जबकि सोनभद्र कितने से, चार राज्यों से। कितने राज्यों से, चार राज्यों से। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। कौन सा है, सोनभद्र, सर्वाधिक राज्यों से। दो जिलों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो एक ही राज्य से तीन तरफ से घिरा हुआ है, ललितपुर। कौन सा है, ललितपुर, जो एमपी से तीन तरफ से घिरा हुआ जिला है, ठीक। और यही एक मात्र ऐसा जिला है जो सिर्फ एक जिले से सीमा बनाता है, और वह एक जिला कौन सा है, तो आपका झांसी है। कौन सा है, झांसी। यदि हम लोग जिलों पे, राज्यों पे बात कर ले, तो पहला राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरे राज्य की बात करें उत्तराखंड, यह तो अंतर्राष्ट्रीय देश है इसको छोड़ते हैं, तीसरा राज्य की बात करें बिहार, चौथे राज्य की बात करें झारखंड, पांचवे की बात करें छत्तीसगढ़, छठवें की बात करें तो एमपी, सातवें की बात करें तो राजस्थान, आठवें की बात करें तो हरियाणा। यानी उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वह आठ राज्यों से स्पर्श करता है, और जिसमें आठ राज्यों के बाद एक यह अंतर्राष्ट्रीय देश से स्पर्श करता है, और एक केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा, दिल्ली आपका, कौन सा है, दिल्ली, और यह दिल्ली से भी सीमा बनाता है। तो यानी हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ, आठ राज्यों के साथ, एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। यह आपके हो गए सीमावर्ती राज्य और इन राज्यों से स्पर्श करने वाले जिले। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, इसके बाद आपको सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, जिससे यह वीडियो, इस वीडियो का जो हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज चला रहे हैं उसका बड़े पैमाने पर लोग लाभ उठा सके। दोस्तों इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होने वाला है। यदि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होने देंगे, यह हमारा वादा है आपके साथ। धन्यवाद।